एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऑप्शंस शेयर करने वाली हूँ ड्रेसेस के, जो कि मैं सोच रही हूँ इनमें से क्या पहने दिवाली में, तो इनमें से कुछ पहनूंगी। तो मैंने सोचा ये आपको भी सजेस्ट कर देती हूँ, हो सकता है आपको भी हेल्प मिल जाए। सो बेसिकली तीन ड्रेसेस मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो कि दिवाली के लिए अल्टीमेट होंगी। फर्स्ट थिंग, काफ़ी कम्फर्टेबल है तीनों ड्रेसेस। सेकेंड, काफ़ी यूनिक है तीनों ड्रेसेस। थर्ड, स्पेशल है, कॉमन नहीं है। एंड फोर्थ, काफ़ी अफोर्डेबल है, कोई भी ड्रेस 1100 और 1300 से एक्सपेंसिव नहीं है। तो मैं वन बाय वन आपको सारी ड्रेसेस दिखाती हूँ एंड इनमें से ही कोई सी एक ड्रेस है जो कि मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं दिवाली में पहनूंगी। सो सबसे पहले मैं आपको जनायसा ब्रांड का ये जो लहंगा चोली का सेट है ये दिखा रही हूँ। जनायसा के कपड़े नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, इनके जो कपड़ों का मटीरियल होता है काफ़ी कम्फर्टेबल होता है और अफोर्डेबल होता है। तो मैंने पहले जो सबसे पहला ड्रेस सिलेक्ट किया था, एंड बाय द वे ये जितनी भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी अमेज़ॉन से हैं, तो आपको डिलीवरी काफ़ी क्विकली मिल जाएंगी एंड अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएगी। रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी अमेज़ॉन की अमेजिंग है। एंड ये जो वीडियो है ये माई हॉल स्टोर के साथ में कोलैबोरेशन का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जनायसा की पिंक लहंगा चोली एंड दुपट्टे का सेट दिखा रही हूँ। सो ये अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर, जो रानी पिंक होता है ना उस कलर का ये ड्रेस है। कम्प्लीटली पिंक है ऊपर से लेके नीचे तक, और इसमें गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट है। ये अगर आप देखेंगे तो गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट है। स्लीव्स इसकी इतनी स्लीव्स आती है, एल्बो से थोड़ी ऊंची स्लीव्स आती है इसकी, एंड फ्रंट से भी जो नेक है वो बिल्कुल भी डीप नहीं है ज़्यादा, और बैक से भी बिल्कुल भी डीप नहीं है। तो अगर आपको सोबर ड्रेसेस पहनना पसंद है तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने देख ली चोली, और चोली में जो आपका ज़िप है वो साइड से है, ये देखिए साइड से ज़िप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इसको आप फिटिंग करा सकते हैं। मुझे एक्चुअली ये काफ़ी लूज़ था ये साइज़, तो मुझे ब्लाउज़ थोड़ा छोटा लग रहा था, बट अगर आपकी एकदम फिटिंग का होगा, आप इसको फिटिंग करा लेंगे तो आपको परफेक्ट लगेगा। शॉर्ट ब्लाउज़ है इसका, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्लाउज नहीं है। एंड देन हम इसका लहंगा देख लेते हैं। तो अगर आप लहंगा देखेंगे तो लहंगे में आपको मिल रही है नाड़ी, नाड़े में यहाँ पर ये दो ऐसे लटकने लगी हुई हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है, क्यूट सी लटकने हैं। एंड ऑल ओवर वो कली वाला लहंगा है ये, तो इसका भी जो घेर है वो काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा घेर है इसका। एंड अगर हम इसके अंदर के अस्तर की बात करें तो इसमें एक अस्तर है और एक ये लहंगा है, तो बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा उठा उठा दिखाना है तो आपको इसके अंदर कैन कैन की स्कर्ट पहननी पड़ेगी, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल इस तरीके के फेस्टिवल्स में एकदम जैसे घेर वाले पहनने से बेटर ये जो सिंपल सोबर लहंगा होता है ना ये हमें पहनना चाहिए। सो काफ़ी अच्छा है मटेरियल वाइज, और बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। मैं जितनी भी ड्रेसेस आपको दिखा रही हूँ कोई भी ड्रेसेस बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, आप आराम से कंफर्टेबली दिन में रात में कभी भी पहन सकते हैं। एंड इसके साथ में इसका एक दुपट्टा है, ये जो कि है पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा, एंड दुपट्टे के एंड में इस तरीके से टैसल्स हैं। एंड इस लहंगे का जो मटीरियल है वो है थोड़ा सा सिल्क टाइप में। अब जो मैं आपको नेक्स्ट ड्रेस दिखा रही हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं भी शायद मैं दिवाली में यही पहनूँ, और पहनने का रीज़न है ये काफ़ी कंफर्टेबल है यार, इसको पहन के मुझे इतना अच्छा लगा। इसका जो मटेरियल है ये है प्योर कॉटन, और ब्रांड की अगर हम बात करें तो अक्स ब्रांड का है ये, अक्स के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। सो ये देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह काफ़ी सुंदर था, मैंने इसका कलर देख करके ही इसको ऑर्डर किया था। इसका कलर है ऑरेंज कलर। ये मैं आपको ब्लाउज़ दिखा रही हूँ, ब्लाउज़ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बांधने का दिया हुआ है, एंड यहाँ पर साइड में इसमें ज़िप भी है, ये देखिए ज़िप है, पहन करके आप साइड से ज़िप लगा लें। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है जो कि यहाँ से ऐसा क्रॉस आ रहा है और साइड में ये बांधने का है, और ये इसमें जो लटकन लगी है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, पूरा गोटा पट्टी वाली लटकन है। तो ये तो है ब्लाउज़, ब्लाउज़ का जो कॉलर है वो स्टैंड कॉलर है, एंड स्लीव्स में भी गोटा पट्टी का काम है। तो मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगा। अब बात करते हैं इसके लहंगे की, इसका लहंगा भी अगेन प्योर कॉटन में है, एंड ये चुनरी प्रिंट है ऑरेंज कलर में, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो ये देखिए, ये इसका अगर हम बॉटम देखेंगे तो बॉटम में भी इसमें पूरी गोटा पट्टी है, येलो कलर के साथ में गोटा पट्टी, एंड
फुल फ्लेयर्ड लहंगा है, काफ़ी अच्छा घेर है इसमें। और अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी एक प्रॉपर अच्छा वाला अस्तर दिया है। यहाँ पर ये छोटा मोटा सा कपड़ा है जिसकी वजह से वो एक जो फ्लो है ना वो आता है। तो अगेन इसमें भी वो कैन कैन वाला लुक नहीं आएगा, लेकिन आपका जैसा दिखना चाहिए ऐसे फेस्टिवल्स में उस तरीके का लहंगा है। इसमें साइड में इस तरीके से बटन दी हुई है, एडजस्टेबल है। अगर आपको साइज में प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ से दिया हुआ है एंड यहाँ पर एक जिप भी दी हुई है। तो मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड थर्ड ड्रेस जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ दिवाली में पहनने के लिए, और ये मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, बट क्योंकि हम यहाँ दिवाली में क्या पहने इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं ये, हो सकता है मैं ये जो डस्ट पिंक कलर है आई थिंक या बेज कलर है, ये वाला मैं साड़ी पहन सकती हूँ मे बी। ये भी अमेज़ॉन की ही है एंड ये है ब्रांड इंडिया ब्रांड की, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी यार। एंड अगेन इससे बहुत ज़्यादा ऐसे कर्वी नहीं लगते हैं क्योंकि इसके जो फ्लेयर्स हैं ना ढेर सारे, ये देखिए मैं सिर्फ पिक्चर्स डाल दूंगी तो आप देख लेना कैसी लग रही थी। इसके जो ये फ्लेयर्स हैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा लुक आता है। तो मैं इसको अपने गोल्डन ब्लाउज के साथ में वेयर करूँगी। ये बेसिकली एक स्कर्ट साड़ी है, तो इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज। का कलर देखिए बहुत ज़्यादा डिसेंट सा कलर है, वो थोड़े से फेस्टिव कलर्स हैं एंड ये काफ़ी डिसेंट कलर है, तो मैं कन्फ्यूज हूँ कि इनमें से क्या पहनूँ। एंड इतनी चीज़ें मैंने दिवाली के हिसाब से मंगवाई है। फिर मुझे अमेज़ॉन ब्राउज़ करते करते ये एक बड़ा सुंदर सा दुपट्टा दिख गया था जिसको स्टोल भी बोल सकते हैं। वैसे ये कॉटन का है तो इसको सर्दियों में ये काम नहीं आएगा, तो मैंने इसको मंगवाने का रीज़न था इसका जो प्रिंट है ना, इसमें ऑल ओवर बुद्धा प्रिंट है जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। अगर आप भले जीन्स पहन रहे हैं, वेस्टर्न वेयर आपने पहन रखा है, फिर भी अगर आप इसको ले लेंगे ना दुपट्टे को, तो वो काफ़ी सुंदर सा एक लुक आता है। मुझे इसका प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा लगा, इसका मटेरियल, इसका जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा लेंथ है। एंड यहाँ साइड में एंड में दोनों तरफ टैसल्स लगे हैं, तो मुझे ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए ये दुपट्टा भी ले लिया। तो इतनी चीज़ें मैंने मंगवाई थी अमेज़ॉन से। सारे प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।